उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। एक तरफ जहां यूपी पुलिस ने 3 अगस्त को आरोपी सपा नेता मुईद खान की बेकरी को सील कर दिया था और उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने ऐसी ही दूसरी घटनाओं का जिक्र करते हुए बड़ी मांग कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुष्कर्म और रेप जैसी घटनाओं में डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ देने की मांग की है। उन्होंने जौनपुर में एक लड़की से हुए रेप की घटना का जिक्र करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की है और कहा है कि अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो उस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। सपा प्रमुख ने लिखा, कुकृत के मामले में जिन भी आरोप लगे हैं उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया कई दिन तक। वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के साथ जौनपुर की लड़की से चलती कार में गैंगरेप की घटना का जिक्र किया है, जिसमें उसे खून से लथपथ हाल में वाराणसी में फेंक दिया गया था। लड़की का आरोप है कि 3 बदमाशों ने उसका अपहरण किया, जिसके बाद उसे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अयोध्या में नाबालिग से रेप का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता मुईद खान की बेकरी को सील कर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हालांकि आपको बता दें कि मुईद खान पर आरोप है कि उसने पीड़िता को काम देने के बहाने बुलाया और नौकर के साथ मिलकर बच्ची से गैंगरेप किया। आरोपी सपा नेता ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल कर कई बार हवस का शिकार बनाया। मामला का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़ित गर्भवती हो गई। इस मामले की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।